हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। खासतौर पर हम बात करें न्यू टीचिंग पोस्ट, आयु सीमा में बदलाव, इन सभी का सभी को इंतजार है। तो इसके रिगार्डिंग साथियों आज हमने काफी इंपोर्टेंट डिस्कशन किया, एक बहुत ही अच्छी वार्म डिस्कशन हम बोल सकते हैं। तो ये प्रदीप कौशिक सर के साथ हमारा जो डिस्कशन हुआ है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। प्रदीप कौशिक सर एक सफर मेरे साथ जो चैनल है, तो उन सर से बात हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उन सर से जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको। तो फ्रेंड्स, आज उनसे काफी अच्छा डिस्कशन हुआ और डिस्कशन यही हुआ, जैसे उनके पास भी काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आयु सीमा में बदलाव किया जाए, इसके बाद न्यू वैकेंसीज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों, ऐसे ही हमारे पास भी, हमारी जो फैमिली है इसमें भी काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बदलाव चाहते हैं आयु सीमा में, और साथ में वो चाहते हैं कि नई वैकेंसीज भी आए, और ये सभी के माइंड में क्वेश्चन जरूर है कि न्यू वैकेंसीज जरूर आए। तो फ्रेंड्स, इस पर हमने डिस्कशन किया और हमने देखा कि क्या बेहतर हो सकता है, किस तरह हम न्यू स्टेप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग जो ये संडे आ रहा है, इस संडे को हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और हो सकता है, देखो सबसे पहले तो अभी हम अपने लेवल से ही सारी चीजें करेंगे, कुछ एडवोकेट्स हैं उनके पास जाएंगे और मतलब कुछ ना कुछ जो भी स्टेप लिया जाएगा आप लोगों के सामने सारी चीजें प्रस्तुत की जाएंगी। तो अभी हम चाह रहे हैं कि अपने लेवल से जो भी कुछ हो सकता है, देखो ऐसा नहीं कि आपको नहीं बुलाएंगे, हो सकता है कि इसी संडे को आप लोगों को बुलाया जाए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए अगर आपको बुलाया जाए। वो सारी चीजें हम डिसाइड करके कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि ये नहीं कि कहीं भी आपको हर जगह लेके जाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर से होंगे, हालांकि मैं भी बहुत दूर से हूं, दिल्ली लगभग 80 किलोमीटर है मेरे घर से, लेकिन कोई नहीं यार, आप लोगों के लिए अच्छा होगा तो हम जरूर वहां पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको वहां पे बुलाया जाए, लेकिन सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों से ही सारी चीजें पॉसिबल हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग जो एडवोकेट सर हैं और इवन हम जो अशोक अग्रवाल सर हैं उनसे भी एक मीटिंग फिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले संडे को जो भी स्टेप होगा, जो भी कुछ होगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये नहीं कि हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे, जितना हमसे पॉसिबल हो रहा है हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। और जो आयु सीमा में बदलाव, जैसा आप जानते हैं न्यू वैकेंसीज के बारे में, इतना टाइम बीत जाने के बाद भी डीएसएसबी ने कोई इस पर विचार नहीं किया है। तो अब इस रिगार्डिंग हम स्टेप लेना चाह रहे हैं, इवन जो डीएसएसबी है या मतलब जो भी एडवोकेट्स हैं या जो भी कोई मिनिस्टर होगा उनसे हम मीटिंग करना चाहेंगे। तो इसमें आप लोगों का सहयोग जरूर, मतलब इसकी बहुत जरूरत होगी। तो आप लोग जब हम बुलाएं आप लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आए, क्योंकि तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है आप लोगों के लिए। इसके बाद बताना चाहता हूं, हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स, व्हाट्सएप पे आपको नोट्स, ये सारी चीजें मिलती रहेंगी जिससे आप साथ में प्रिपरेशन भी करते रहें। तो आप उस चैनल को भी सपोर्ट करें क्योंकि वो आपका अपना चैनल है, ये ना सोचे कि ये हमारा चैनल है, ये आप लोगों का चैनल है, तो सब्सक्राइब उसे जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है आप लोगों के लिए और उम्मीद करते हैं कि जल्द आप लोगों को बहुत अच्छी खबरें, बहुत अच्छी खुशखबरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब दो अच्छे लोग और दो अच्छे लोगों के साथ बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं तो जरूर अच्छा होता है। तो साथियों, यही हमें इंतजार है कि कब आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज आएगी। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।